हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं आरसीसी और आरसीसी में लेक्चर नंबर 4 है। और लेक्चर नंबर 4 में हम क्या बात करने वाले हैं, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर एज पर IS 456। ठीक है, हम आरसीसी जो स्ट्रक्चर है उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। किसके बेस पे? एज पर आईएस कोड जो है 456-2000 उसके बेस पे। और दूसरा मैं बात करूंगा एजम्पशंस ऑफ LSM, मतलब लिमिट स्टेट मेथड ऑफ फ्लेक्चर से रिलेटेड उसके एजम्पशंस क्या हैं, उससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊंगा आपको। जितना भी आप मतलब फॉर्मूले आप देखते हैं आरसीसी में, चाहे बीम की डिजाइन करने के लिए, तो वो फॉर्मूले कैसे बन के आते हैं, वो कॉन्सेप्ट अगर पता चल जाएगा तो कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दिया जाए, जो लाइव प्रॉब्लम ही क्यों न दे दिया जाए, तो वो चीजें आप कैलकुलेट करके और फाइंड आउट कर सकते हो। बसरते आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तब आसानी से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो देखिए, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जो अगर मैं बात करूं, जो ये वाला पॉइंट को लेके मैं चल रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की मैं बात कर रहा हूं, क्या होगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की अगर मैं बात करूं, तो पहला एक कंडीशन ये होगा कि मटेरियल की स्ट्रेंथ तो ठीक हो पर लोड बढ़ जाने से फेलियर होगा। ठीक है, अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ ठीक ठाक दिया लेकिन जो लोड हमने सोचा था उससे ज्यादा हो गया तब फेलियर होने की चांसेस होगी। तो वो चीजें मैं बता देता हूं यहां पर, प्रोबेबिलिटी एक्सीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ मोर देन कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ठीक है। दूसरा कि अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी लोड नॉट एक्सीडिंग कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड प्रोबेबिलिटी मटेरियल स्ट्रेंथ बिलो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो, प्लस अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, प्लस अभी यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट, ये जो तीनों पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये वाला एक पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, वो क्या है वो चीजें मैं यहां पर लिख के बता देता हूं। ठीक है, यहां पर सेपरेट मैं यहां पर लिख के बता देता हूं कि ताकि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पता चल सके। ठीक है, पहला इसमें देखो स्ट्रक्चर फेल होने की संभावना की अगर मैं हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन मैं यहां पर बता देता हूं। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फेल होने की संभावना क्या हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर फेल हो रहा है तो संभावना क्या हो सकती है। पहला देखो, पहला अगर मैं बात करूं कि मटेरियल का स्ट्रेंथ ठीक हो, ठीक है, मटेरियल का स्ट्रेंथ तो आपने जितना जरूरत था उतना प्रोवाइड कर दिया, मटेरियल स्ट्रेंथ ठीक है पर
लोड बढ़ गए, ठीक है, जितने पे हमने डिजाइन किया उससे कहीं गुना ज्यादा लोड बढ़ जाने पर लोड बढ़ जाने पर हो सकता है, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि लोड ठीक है, ठीक है, मटेरियल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मटेरियल का स्ट्रेंथ अगर कम हो जाता है, ठीक है, जो लोड है, लोड ठीक है पर जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है, मटेरियल स्ट्रेंथ है कम होने पर तब होगा, मटेरियल का स्ट्रेंथ कम हो गया। या तीसरा कंडीशन ये ले लेते हैं कि मटेरियल का स्ट्रेंथ भी कम हो गया और लोड भी बढ़ गया है, मटेरियल स्ट्रेंथ कम और लोड भी बढ़ गया तब फेल हो सकता है। ये तीन कंडीशन है, तो तीन कंडीशन में ये टोटल फेलियर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एक्सीड होने के लिए ये 0.5, कंक्रीट की अगर बात कर रहे हैं तो ठीक है 0.95 प्लस 0.95 इंटू 0.05 ये होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है, प्लस 0.05 5% होता है ना, 5% कॉन्क्रीट नहीं पड़े हैं तो कॉन्क्रीट वाला मेरा पढ़ लीजिए, वो चीजें बिल्डिंग मटेरियल में जो कॉन्क्रीट है उसमें एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, तो वो उसमें जाके आप देखिए आपको ऑलरेडी समझ में आते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 0.0975 और इसकी वैल्यू अगर ये लेकर आते हैं परसेंटेज में अगर लेके आओगे तो 9.75% आ जाता है, ठीक है, वैल्यू में अगर देखोगे तो ये परसेंटेज में आ गए। तो अगर यहां पर देखोगे तो ये अगर परसेंटेज में पूछे तो इतने परसेंटेज है फेलियर होने की, ठीक है, इतने परसेंटेज फेलियर होने की चांसेस हैं, ठीक है, तो टोटल अगर इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो ये इस तरीके से फेलियर होने के प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 9.75% फेलियर होने की पॉसिबिलिटी है और बाकी सेफ होने की प्रोबेबिलिटी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं एजम्पशंस ऑफ एलएसएम फ्रैक्चर, ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बात करने वाला हूं एलएसएम का एजम्पशंस की बात कर लेते हैं, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट मैं लेकर आऊंगा कि ताकि आपके लिए आसान हो सके, आपके लिए बेटर हो सके, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लेकर आऊंगा, ठीक है। तो लिख के भी बता देता हूं पहले तो मैं क्या है ये जो दूसरा पॉइंट है, assumptions of limit state method for flexure, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है जो इन्होंने पहला assumptions दिया है वो क्या है, पहला assumptions की बात मैं कर लेता हूं, पहला assumptions उन्होंने दिया कि प्लेन सेक्शन जो होता है सेक्शन की बात कर रहे हैं, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग के बाद भी जो प्लेन सेक्शन है वो रिमेन प्लेन ही रहता है, ठीक है। और इसको किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा है, बर्नौली साहब, ठीक है, बर्नौलीस प्लेट थियरी के अकॉर्डिंग ये आया है, ये बस नाम जानते रहिए, बर्नौली प्लेट थियरी के बेस पर ये चीजें उन्होंने बताए थे। दूसरा एजम्पशंस की अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम, देखिए ये एज्यूम करके उन्होंने ये इसके फ्लेक्चर एलएसएम मेथड से फ्लेक्चर को डिजाइन किया है, ये उनका एजम्पशंस था, ठीक है। मैक्सिमम जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन है इन कॉन्क्रीट शुड
not be more than 0.0035। इससे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का स्ट्रेन जो है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन जब उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन जो होता है वो मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे किस बेस पे आता है, तो इसके लिए मैं बता देता हूं, ये होता है आपके प्रैक्टिकल के बेस पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्क्रीट इज नॉट अलाउड टू बियर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। जो कंक्रीट है वो टेंसाइल स्ट्रेस को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा, सहने का बिल्कुल नहीं लेगा, ठीक है। टेंसाइल अगर जहां पे भी कंक्रीट के ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल वो लेगा ही नहीं, ये अजम्पशन हमने ले लिया था, ठीक है। और क्या लिया था इसमें, टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट इज नेग्लेक्टेड इन डिजाइन, मतलब डिजाइन में हम इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर कॉन्क्रीट के लिए बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की, उसको हम निगलेक्ट ही डिजाइन में मान के चलते हैं। डिजाइन जब करते हैं तो उसको निगलेक्ट ही मान के चलते हैं, क्योंकि वो टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके लिए मतलब ना के बराबर है, उसके बस की बात नहीं है कि अगर टेंसाइल लोड लग गया ना तो सहने उसके पास की बात नहीं है, ये हम मान के चल लेते हैं, ठीक है। चौथा अगर एजम्पशंस की अगर मैं बात करूं, फोर्थ एजम्पशंस की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कॉन्क्रीट इज गिवेन बिलो, ठीक है। क्या है देख सकते हैं यहां पे डायग्राम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो मैंने इतने डायग्राम ड्रॉ करके बताया ना कि अगर सिर्फ मेरे साथ देखते जाएं, वीडियो देखते जाएं और वो सारे चीज लिखते जाएं ना, आपको वो सारे डायग्राम तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ये कंक्रीट के लिए मैं बना रहा हूं, देखियो कंक्रीट के लिए किस तरीके से होता है वो चीजें मैं बता रहा हूं, इस तरीके से जाके और यहाँ पे ये फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यहां तक जो होता है ना, यहां तक की अगर मैं बात करूं तो यहां तक वो लीनियर होता है, फिर बाद में ये नॉन लीनियर हो जाता है, मतलब ये टोटल ये नॉन लीनियर हो जाता है, मतलब कर्व जैसा होता है, कर्व जैसा होता है, ठीक है। नॉन लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक है, इसको क्यूब भी बोल सकते हो। यहां पर स्ट्रेस होता था, आपको तो पता ही है ये स्ट्रेस का है और ये स्ट्रेन का है, ये चीजें। और इसका जो मैक्सिमम जो होता था ना यील्ड, जहां से स्टार्ट होता था, वो चीजें मैंने बताया था कि कितने पे आता है, इसकी 0.002 स्ट्रेन जो होती है, मतलब 2% के स्ट्रेन पर उसका यील्ड पॉइंट यहां पर आता है, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं बताया हूं, वहां पर जाके देखो, ठीक है। और जहां पे ये फेल होता है ना, वहां पर उसके मैक्सिमम, जो अभी मैंने स्ट्रेन की बात किया कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है वो होती है 0.0035 होती है, ये इसकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जहां से ये मतलब और इसका यील्ड जो होता है, यील्ड पॉइंट वहां पे इसकी 0.002 है। यील्ड पॉइंट वो बोलते हैं ना, यील्ड पॉइंट वो बोलते हैं कि वहां से वो इलोंगेट होना स्टार्ट होता है, वहां से उसकी स्ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है। ये चीजें पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं बात करूं पांचवा की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर पांचवें की माइल्ड स्टील की बात करूं, ठीक है, या मतलब रेनफोर्समेंट की बात करूं, ये तो कंक्रीट के लिए अजम्पशंस ले लिए थे। फिर बाद में पांचवा पॉइंट था स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम बोल सकते हो कि स्टील के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए, ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम
फॉर रेनफोर्समेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट मतलब स्टील की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टील में भी हम कौन कौन से स्टील यूज करते हैं, माइल्ड स्टील यूज करते हैं, HYSD बार यूज करते हैं, तो वो चीजें भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं इसमें पहला इसमें माइल्ड स्टील को लेकर चलता हूं, माइल्ड स्टील को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। माइल्ड स्टील की अगर बात करें तो इसके भी मैंने कई कितने सारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके ऑलरेडी मैंने बताया है, ये स्ट्रेस का है और ये स्ट्रेन का, कितनी बार मैंने ड्रॉ करके बताया होगा कि ये इतना लीनियर होता है, फिर उसके बाद थोड़ा कर्व होता है, फिर बाद में इस तरीके से होता है, फिर ऐसे होता है, फिर बाद में ऐसे होके इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। यहाँ उसका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। और यहां पर जो होता था ना उसका FY आता था, ठीक है। यहां पर क्या होता था उसका, ये वाला जो पॉइंट है ना उसका FY होता था, ठीक है। और यहां पर जो स्ट्रेन होती थी वो ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रेन होता था यहां पर, ये जो प्रोपोर्शन पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट जो आपको पता है, ये सारे पॉइंट को एक ही माना जाता है प्रैक्टिकल बेस पे, तो सबको एक ही पॉइंट माना जाता है। ये 2% पे होता है, 0.2%, ठीक है। 0.2% मतलब ये 0.002 पे, ठीक है, 0.02 पे, ठीक है। तो यहां पर जब ये 0.02 पे ये यील्ड आता है, तो हम आपको ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले में मैंने बताया था कि जो हम इसका डिजाइन स्ट्रेंथ लेते हैं, ध्यान से समझना, उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ कहां पे लेते हैं, यहां पे लेते हैं, कितने पे, 0.87 FY पे लेते हैं यहां पर, ठीक है, इस साइड पे। और इस साइड पे जो भी इसकी स्ट्रेन होती है, ठीक है, वो चीजें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि उसके स्ट्रेन कितनी होती है। वो चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि ये फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या जाता है, सिग्मा अपन ई हो जाता है, ठीक है। ये ई इधर आ जाएगा तो सिग्मा अपन ई, इस तरीके से ई कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। वही चीज अगर मैं HYSD की अगर मैं बात करता, HYSD की, ठीक है, HYSD बार की अगर बात करता, ठीक है, तो उसके स्ट्रेशन स्ट्रेन डायग्राम क्या किस तरीके से होते, इस तरीके से, ये चीजें आपको पता है, ठीक है, इस तरीके से होके इस तरीके से, इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो 0.02% पे यहां पर मान लीजिए यील्ड आता हो, FY यहां पर है, ठीक है। लेकिन आपने यहीं पे इस चीजों को देखा कि इसका जो था, ठीक है, ये यहां पर हमने इस पे लेके ये 0.87 FY लेके देखा, ठीक है, और यहां पे इसकी स्ट्रेन आ रही थी उस पे लेके कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये उसकी एक्चुअल वेरिएशन है, एक्चुअल वेरिएशन है, ठीक है, लेकिन हमें डिजाइन करना है इस पर, ठीक है, 0.87 FY पे करना है, ठीक है। यहां पर FY होती है, इसको यहां पर लेकर हमने करना है। यहां पे FY की वैल्यू जो होती है HYSD में, आप देखोगे तो इसकी FE यहां पर लिखते हैं, ठीक है, FE 415 होता है, इस तरीके से लिखा होता है, या FE 500 होता है, तो ये HYSD होता है, ठीक है, जिसमें इसकी ये वैल्यू यहां पर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशंस की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही काम लायक है, जिसमें आपको बहुत कुछ आपको समझ में भी आएगा, जिसके बेस पे आप बहुत सारी पॉइंट कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो वो नेक्स्ट पॉइंट भी मैं यहाँ पर बता देता हूं, और वो क्या है वो चीजें भी यहाँ पर समझ सकते हैं। छठा पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, ये एजम्पशंस लिया गया था, ठीक है, कितना से कम नहीं होना चाहिए, 0.002 प्लस 0.87 FY ये स्ट्रेस था, और डिवाइड बाय ई कर देते हैं स्टील के लिए, तो आपको ये स्ट्रेन मिल जाता है, ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन, इससे कम स्ट्रेन होना ही नहीं चाहिए टेंशन जोन में। देखो यहां पर बोला है टेंशन रेनफोर्समेंट में इससे कम स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और कॉन्क्रीट में आपको बताया है कि 0.0035 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंप्रेशन में, ठीक है, कंप्रेशन में। तो यहां पर अगर आप ये चीजों को देखोगे, फॉर मैं
Fe415 के लिए अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ कितना होगा, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, 0.87 Fy/, ये होता है ये चीजें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है, ठीक है, ये वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसके पहले ऑलरेडी मैंने बता के रखा है, ठीक है। ये वैल्यू तो इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट होगा, लेकिन ये सारी वैल्यू अगर करोगे तो इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, ये देखो 0.002 प्लस इसकी वैल्यू 0.87 Fy, यहाँ पे 415 है तो यहाँ पे 415 आ गया, डिवाइड बाय ये स्टील जो होती है यंग्स मॉडल्स वो 2×10⁵ होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है 0.0038 के आसपास आ जाती है, ठीक है। वही चीज अगर मैं बात करूं फॉर Fe500 की अगर बात करूं तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 × 500 2×10⁵ करोगे। देखो ये माइल्ड स्टील के लिए एक्चुअली होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसके मान लेते हैं, ठीक है। और ये अगर मतलब करेक्ट उसकी वैल्यू पुट किया जाए ना तो सबका जो वैल्यू है ना वो 0.0035 जितना ही आएगा, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट भी कर लो, मैं अगर इतना मान के चल रहा हूं तो जो मेरी वैल्यू आने वाली है वो कितना आएगी, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो ये सबसे पहले कर लो 0.87 × 500, ठीक है, इक्वल डिवाइड बाई 2 के बाद 50, कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई, और उसमें प्लस कर दो 0.002, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इस वैल्यू को अगर देखोगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ध्यान से समझना, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन 0.035 से कम नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि अगर वैल्यू अगर कम आती 0.035 से तो कहीं न कहीं हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेन है उसके इक्वल में नहीं आता, बढ़ जाएगा चलेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0.004175 आएगा, ठीक है। और वही चीज अगर मैं माइल्ड स्टील के ले लूं, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए, इसके लिए आपको पता है हम डायरेक्ट लिखते हैं माइल्ड स्टील, इसकी वैल्यू जो होती है वो 250 होती है, Fy की वैल्यू जो होती है इसकी 250 होती है, तो यहाँ पर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 0.002 प्लस 0.87 × 250 / 2×10⁵ करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0.0035 आ जाती है। देखिए 0.0035 से कम नहीं आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कंक्रीट का बता के रखा है कि कंक्रीट का मैक्सिमम जो स्ट्रेन है वो 0.0035 है, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम, ठीक है, वो जैसे जैसे अब देखो 0.035 से वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर भी 0.035 से कम नहीं होगा, उससे कम आएंगे नहीं, देखो कोई भी वैल्यू उससे कम नहीं आ रही है। वो कैसे है वो चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैसे कि कोई बीम होता है उसका ये सेक्शन है, ठीक है, ये उसका सेक्शन है, ठीक है, और ये उसका न्यूट्रल एक्सिस है। देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर स्टील आप प्रोवाइड किए रहते हैं, ठीक है, यहां पर आपका कंप्रेशन आता है, ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो कंप्रेशन आता है तो इधर टेंशन आएगा, ठीक है, टेंशन आएगा। तो ये इसका अगर स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, मैं देखो यहां पर स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करके यहां पर बताऊं तो किस तरीके से ड्रॉ होता है, वो चीजें मैं आपको ये स्टील वाले के बाद बता रहा हूं। ये इस तरीके का ये तुम्हारा स्ट्रेन आ रहा है कॉन्क्रीट का, ऊपर का कितना आएगा 0.0035 आ रहा है, ठीक है, और ये एग्जैक्ट यहां से ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये जितना है उतना ये भी आएगा, क्योंकि ये वाला लेंथ न्यूट्रल एक्सिस में, ये दोनों क्या हो जाते हैं, लेंथ बराबर होते हैं न्यूट्रल एक्सिस में, ये जो लेंथ जो मतलब एक तरह से मतलब चलो ये कोई बात नहीं, ये चीजें मान के रखो, ठीक है, मान के रखो, तो ये जो जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन कम करें, अगर मान लो ये कम करते हैं, ये ऐसे कम करो, ये अगर कम करोगे तो कहां पे जाएगा, ये कम करोगे तो किस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है, अगर ये कम करते हो तो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा, तो ये बढ़ तो सकता नहीं है, ठीक है, ये यहां से अगर लोगे तो ये इस तरीके से होगा, तो ये चीजें हमारा कम नहीं हो सकती है, कितनी 0.002 प्लस
0.87 FY अपन ESA, इससे कम नहीं हो सकता, बस इतना जानते रहो कि इससे कम नहीं हो सकता, ये चीजें आइडिया रखो। बाकी के पॉइंट जो है वो ऑलरेडी आगे के जो वीडियोज हैं उसमें मैं आपको अच्छे से कैलकुलेट करके अच्छे से समझा दूंगा कि एक्चुअली लिमिटिंग क्या होता है, फिर बाद में कैसे सारे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चीजें बता देता हूँ। ये जैसे कि कोई बीम होता है ना, मैं जैसे ये बीम है, ठीक है, ये बीम रहता है इस तरीके से, ये बीम आप देखे होंगे इस तरीके का, ये बीम है, ठीक है, ये बीम रहता है। तो ये सेक्शन को मैं कट करता हूं तो ये सेक्शन कैसे इस तरीके से दिखता है, जहां पे ये स्टील प्रोवाइड रहती है, इसे स्टील, ये स्टील इस तरीके से प्रोवाइड रहती है, यहाँ पे स्टील रहता है, ठीक है, ये स्टील रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहां से जो स्टील के हाफ से ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको डी बोलते हैं, और इस डी को क्या बोलते हैं वो चीज मैं बता देता हूँ। इस डी को बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ, बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इफेक्टिव डेप्थ बोला जाता है, ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और यहां से ये जो नीचे जितना होता है ना, ये इसके हाफ से लेके नीचे, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है इफेक्टिव कवर, बोला जाता है इफेक्टिव कवर बोला जाता है, ठीक है, ये पता चल गया। फिर बाद में देखो, स्टील से और ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को बोला जाता है क्लियर कवर, ठीक है, क्लियर कवर बोला जाता है। तो और यहां टोटल, ये टोटल जो कैपिटल डी डिनोट करते हैं ना, इसको बोला जाता है टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ बोला जाता है, ठीक है। अगर टोटल डेप्थ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होगा, एक तो स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी कहां तक है, इसके हाफ, फिर बाद में कहां तक है, एक इसका डायमीटर का हाफ ले सकते हो, इसका डायमीटर का हाफ, फिर बाद में ये क्लियर कवर प्लस सीसी क्लियर कवर ले सकते हो, या दूसरा और ले सकते हो कि ये जो इफेक्टिव कवर है, इफेक्टिव कवर में, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक है, इफेक्टिव कवर ले सकते हो, ये दोनों का ये हो सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये जानने जरूरी थे, तो ये चीजें जानते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर मैं आऊंगा कि ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकूं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। देखिए, कमेंट करेंगे ना तो मुझे आइडिया मिलेगा कि हाँ ये पॉइंट मुझे बताना रह गया था, ये छूट गया था। तो अगर जब भी मतलब अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो कहीं अगर कोई मिस्टेक दिख रहे हैं तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि देखो वीडियो बनाते में कहीं कोई पॉइंट छूट भी जाता है, कहीं पॉइंट कोई स्लिप भी हो गया रहता है, कहीं कोई पॉइंट गलत भी हो गए रहते हैं। तो आप बताएंगे तो दूसरों जो देखने वाले हैं वो कमेंट में जब बताएंगे ना तो दूसरे जो देखने वाले हैं उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, कमेंट को देख के वो इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो सारे पॉइंटेड हम अगर आपके कमेंट, देखो सबके कमेंट में पढ़ते रहता हूं, अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर ये पॉइंट यहां पर मिस्टेक हुए हैं तो वो चीजें भी इम्प्रूव करके बता सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। डिजाइन करने के लिए जो जो फॉर्मूले यूज होते हैं ना, वो फॉर्मूले कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।